क्या मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं, क्या मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगी, क्या मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर कर पाऊंगी, क्या मुझे अच्छी सी जॉब मिल पाएगी, क्या मुझे मेरे सिबलिंग्स की लेवल की जॉब मिल पाएगी, क्या मैं जॉब में अच्छे से काम कर पाऊंगी और क्या मेरी सैलरी इंक्रीज हो पाएगी, क्या मैं कन्विंस कर पाऊंगी कि मैं एक बहुत अच्छी अचीवर हूँ, क्या मैं अपनी जॉब में ग्रो कर पाऊंगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके भी मन में आते हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इनको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे रीजंस और वो सारे क्वेश्चंस जो अक्सर हमारे माइंड में घूमते रहते हैं रिलेटेड टू सेल्फ डाउट। यस, बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास और ऐसी ही क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल नहीं पाते। क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये अचीव कर पाऊंगी, क्या ये टारगेट मिल पाएगा मुझे या नहीं, राइट? ऐसी ही चीजें हम सोचते रहते हैं और हम बहुत सेल्फ डाउट करते हैं। और ये है, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेल्फ डाउट? आप अपने में लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं और हर समय इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। मेरे पास अक्सर इस तरीके की क्वेरीज आती हैं कि मैम कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है इसलिए हम इंटरव्यू में नहीं जा रहे, नॉलेज नहीं है इसलिए हम इंटरव्यू में नहीं जा रहे, और ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि ये नहीं है इसलिए इंटरव्यू नहीं अटेंड कर रहे हैं, ये नहीं है इसलिए इस जॉब में नहीं जा रहे हैं, ये नहीं है इसलिए जॉब कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, स्विच नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे नंबर ऑफ रीजंस जो सारे ही रिलेटेड हैं सेल्फ डाउट से। अपने आप को हम डाउट कर रहे हैं, हर समय हम इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और बहुत लो फील करते हैं तो इसके कुछ रीजंस हैं। इन रीजंस को अगर आप रिजॉल्व कर लेंगे ना, इन रीजंस के सोल्यूशंस के साथ हम बात करेंगे कर लेंगे ना, तो ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कभी कभी हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आंसर भी हमारे पास अवेलेबल होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस कर कंपैरिजंस। यस, हम जहां सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम यहाँ पर रहते हैं ना, वहां पर सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है कंपैरिजन से। हमारी अपनी फैमिली से स्टार्ट हो जाती है कंपैरिजन से। अगर हम सबसे यंगर हैं तो बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे जो फैमिली के इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ज्यादा भी अचीव नहीं किया होता है तो भी उनके अचीवमेंट्स हमें ऐसे गिनाए जाते हैं जैसे हम तो बिल्कुल यूजलेस है, राइट? तो उनके अचीवमेंट्स देख देख के हम ऐसे थकान फील करते हैं, अरे यार ये मुझे भी अचीव करना है, अगर मैंने ये नहीं अचीव करा ना तो बस पता नहीं क्या ही हो जाएगा। यार वो हैं, हम हैं। कंपैरिजंस को स्टॉप कीजिए, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अगर आप इस लेवल पे हैं, मतलब आप एक मेजर हो चुके हैं, अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि बस बहुत हुआ ये कंपैरिजन, ठीक है जो जो जैसा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है अपने आप को कल से, कल मैंने क्या काम किया था और आज मैंने क्या किया है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ या क्यों नहीं हुआ, मुझे इस पे बात करनी है, मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। स्पेशली अगर बहुत टैलेंटेड सिबलिंग्स हैं आपके यहाँ तो ये हमेशा चलता रहेगा, बहुत टैलेंटेड नेबर्स हैं, उसकी जॉब यहाँ लग गई, इसकी जॉब वहाँ लग गई, वो इतनी सैलरी ले रही है, वो इतनी सैलरी ले रहा है, उसकी तो मैरिज इतने अच्छे घर में हो गई। इस कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, सबकी लाइफ अलग है। अगर किसी की मैरिज अच्छे से घर में हो गई है या किसी की बहुत अच्छे से जॉब मिल गई है, उसको मिल गई है, तो उससे आपके घर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी पर्सनालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। लॉन्ग रन में आप क्या कर रहे हैं अपने लिए उसी पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, राइट? लॉन्ग रन में मतलब रिजल्ट आएगा जो आप डेली में कर रहे हैं उनका, ओके? सो इसलिए स्टॉप कंपेयरिंग, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, अपने आप से अपने आप को कंपेयर करें। अगर बहुत ज्यादा शौक है कि भाई कंपैरिजन अगर नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो ना तो मजा नहीं आता, तो अपने आप से कंपटीशन कीजिए और डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। सेल्फ डाउट ना फील नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी कल की कंपैरिजन उससे देखा, मतलब ये है कि अगर मैं किसी और से अपने आप को कंपेयर करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं कि वो पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है, वो उसका दिमाग कैसे चलता है, वो क्या कर रहा है। अगर हमारे सिबलिंग्स भी हमारे साथ एक ही रूम में रहते हैं तब भी उसके माइंड में और हमारे माइंड में ना बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है, उसके थॉट प्रोसेस में, उसके प्लानिंग में सब कुछ बहुत डिफरेंस होगा, तो वो उसके हिसाब से काम कर रहा होगा। अब मेरा वैसा नहीं है, मेरा टेम्परमेंट वैसा नहीं है, मेरा तरीका वैसा नहीं है, तो मुझे अपने बारे में पता है, तो अब मैंने कल क्या काम किया था, कल मैंने इतना कर लिया था, इतना, और आज मैंने इतना कर लिया, या फिर इतने से मैंने इतना काम किया, तो क्यों किया उसका रीजन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भाई मैं क्यों नहीं कर पाई आज काम, तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं किसी और से अपने आपको कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि भैया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे कि बहुत अच्छी जॉब लग गई, दोनों जने जॉब के लिए गए थे, अरे यार इंटरव्यू दिया, उसकी तो बहुत अच्छी जॉब लग गई, सेम ईयर ग्रेजुएट किया था, सेम कॉलेज से था, सब कुछ सेम सेम था, भाई उसकी लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी? तो भैया उसकी क्यों लग गई, मेरी क्यों नहीं लग गई, वो इंटरव्यू में क्या बोल के आया, कैसे बोल के आया, उसको क्या समझ में आया, उसको क्या बोलना था, उसमें और मुझ में बहुत फर्क है, राइट? सो प्लीज
ये एक एक्सक्यूज नहीं है, मतलब अगर आप हर जगह इस बात को कोट करते रहेंगे कि ऐसा 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 इसलिए डिफरेंस कंपैरिजन मत करो, तो ये इसलिए नहीं है कि आप हर जगह ये एग्जांपल देके वहां से बच के निकल जाएं, इसलिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो बिना बात के प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो पीयर प्रेशर ना वो बिना बात के आपके माइंड में, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आप अपने आप को अच्छे से कंपेयर कर पाएं, अपनी परफॉर्मेंस में आगे बढ़ पाएं, इस वजह से हमें इस चीज़ पर फोकस करना है। अगर हम दूसरे को करेंगे तो हर समय हमारा दिमाग इसी में रहेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि हम उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और इस कंपैरिजन में क्या होगा, हम बहुत सारे लोगों को अपने से कंपेयर करेंगे, तो वो सेल्फ डाउट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, सो हमें नहीं करना है ये। सेकंड इज रिसर्च एंड प्लान, एंड यू कैन से दिस इज माय फेवरेट, क्योंकि हम हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट तभी करते हैं जब हमें कहीं ना कहीं कमी होती है हमारे अंदर, मतलब हमने कोई चीज़ प्लान नहीं की होती, मतलब हमें एकदम से कोई चीज़ पता चली, जैसे इंटरव्यू है तो इंटरव्यू मुझे पता चला जॉब इंटरव्यू में मुझे जाना है और बस चलो ठीक है मैंने फाइल वाले ऐसे ऐसे तैयार कर लिए, हाँ हाँ वो मेरी फाइल तो रखी है, सीवी तो रखा है ऐसे ऐसे, फिर कहीं ना कहीं डाउट आया यार उस सीवी में ना कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा, हाँ सुना, हाँ ठीक है चलो मैं चला जाऊँगा कल, मेरा लास्ट टाइम था ना वहाँ फोल्डर वोल्डर रखा हुआ है, हमने कोई चीज़ चेक नहीं करी, हमने प्लान नहीं करी, हमने हमें क्या कल पहन के जाना है उसके बारे में नहीं सोचा, हमारे दिमाग में कहीं चल रहा है चलो चलो शायद ये मैं देख लूँगी, पता चला जी शाम को देखा या सुबह देखा तो उस पर कपड़ों पे प्रेस नहीं है या उस पर कुछ गंदा हो रखा है, वो मतलब दैट्स डर्टी, आप पहन नहीं सकते उसे, या फिर आपका जो रेज्यूमे है उसका एक पेज है, एक पेज कहीं मिस हो गया है, या जो चीज़ें लेके जानी है वो सब नहीं है वहाँ पे उस वक्त अवेलेबल। अब वहाँ पे डाउट स्टार्ट हो गया, यार अब कितना टाइम है मेरे पास, अब मेरे पास एक घंटा आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा मुझे तैयार होने में चाहिए, तैयार होने में भी मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है क्योंकि अभी रेज्यूमे प्रिपेयर नहीं है, कपड़े प्रिपेयर नहीं है, ओके अब क्या हुआ, क्यों, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी, रिसर्च नहीं करी उसके टाइम की कितनी देर लगेगी जाने में आने में, वो सब कुछ भी मैंने नहीं करा, प्लानिंग नहीं करी रिसर्च नहीं करी, तो बस अब कहीं ना कहीं डाउट है दिमाग में, सब कुछ कर भी लिया चलो उतने देर में तो भागे भागे वहां पहुंचे, अब भागे भागे क्योंकि सुबह से सब कुछ गड़बड़ चल रही है, रात से गड़बड़ चल रही है, तो अब वो दिमाग में वही चीज़ घूम रही है, अरे यार पता नहीं होगा नहीं होगा यार, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, वैसे ही जाके फिर हमने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी नर्वस होकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अब वहाँ से जब आए तो बस ऑब्वियसली नहीं हुआ, मतलब बहुत डर हो भी जाता है, लग भी जाता है, तुक्का बैठ जाता है, नहीं लगा, तो अब ये कि यार नहीं पता है ये इस टाइप के जो इंटरव्यूज़ है ना, इस टाइप की कंपनीज जो है ना, जब मेरे पास आती है मेल तो मेरा होता नहीं है, तो अब चलो इस तरीके के मैं ना जाऊँगा नहीं रेंडमली, मतलब कोई सेंस है, सेल्फ डाउट, अपने आप बिना बात के डाउट, क्यों, क्योंकि आपने वो प्लानिंग रिसर्च में तो कोई टाइम लगाया नहीं जो आप लगा सकते थे जब आपको पता चला था, आपने वो सब कुछ नहीं लगाया और आपने कहा बस इस तरीके के जो इंटरव्यू है नॉल है ना यार ये तो मुझसे क्रैक होते ही नहीं है तो फिर मैं इसमें नहीं, अब फिर आपने कहीं पर भी कमेंट में टाइप कर दिया मैम सब कुछ कर लिया है मैंने और मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, अब भाई प्लानिंग रिसर्च ये कौन करेगा, ये तो आपको खुद ही करनी है ना। सो ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है, ये दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए है, सेल्फ डाउट अगर हमें हो रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड ना, उसकी प्रॉपर रिसर्च करिए, प्रॉपर प्लानिंग करिए एंड तब जाइए, कभी भी ऐसे नहीं कि बस रेंडमली उठ के चले गए और बस फिर जब कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों का तुक्का बैठ जाता है, मतलब अगर आप चार पांच लोगों के बीच में बैठेंगे ना और ये बात करेंगे यार मैंने रिसर्च प्लानिंग नहीं की थी ना इसलिए नहीं हुआ, तो कहेगा अरे यार तू क्या बात कर रहा है, मैं तो कभी भी नहीं करता, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ और मेरा हो जाता है, आपको नहीं पता कि वो कितनी रिसर्च करता है, ऐसे ही कहते हैं टॉपर्स, कहते हैं मैंने कुछ नहीं पढ़ा, टॉप कैसे करते हैं बिना पढ़े कर लेते हैं, नहीं वो ऐसा अपना रूटीन रखते हैं कि वो रूटीन में पढ़ते रहते हैं कंसिस्टेंटली, उन्हें पता है, जैसे कि अगर आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे अक्सर इंटरव्यूज होते रहते हैं तो आपको लोकेशन पता है, आपने कभी देख के रख ली, आपने अपने कपड़े सेट रखे हुए हैं, आपने रिज्यूमे का फोल्डर अपना सेट रखा हुआ है, तो आपकी तो ऑलमोस्ट प्लानिंग डन ही है ना, बस एक बार उन चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है, हाँ भाई ये तीनों चीज़ें सही हैं, लोकेशन भी देख ली, कपड़े भी देख लिए और अपना रेज्यूमे भी देख लिया, तो प्लानिंग तो करी हुई थी यार, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे ब्राइट लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं यार देख मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन वो सब कुछ प्लान्ड होते हैं और इसीलिए वो बहुत ही कंफर्टेबली बैठे होते हैं, स्पेशली आप देखिएगा बहुत सारे मैंने टॉपर्स देखे हैं जो ना एक दिन पहले बहुत आराम से, हम तो लगे हुए होते हैं एज एन एवरेज स्टूडेंट कि भाई ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, वो लोग बहुत अपना रिलैक्स होते हैं, एक दिन पहले सब घूमने भी जा रहे हैं, वॉक भी मतलब वॉक भी कर रहे हैं और कुछ स्पोर्ट्स भी प्ले कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, आराम से बैठे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने वो जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई है ना वो बहुत अच्छे से की हुई है पहले से, राइट, सो सेल्फ डाउट उन्हें रहता नहीं है, ऑब्वियसली वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस और वो सब जो होती है वो सब उनके खेलने से और टीवी देखने से और उससे वो उसको वो दूर कर लेते हैं और कुछ हाइड भी करना जानते होते हैं बहुत अच्छे से, राइट, सो दिस कुड बी द बेस्ट वन। थर्ड,
थर्ड इज थैंक योर सेल्फ, यस। और ये भी मेरा एक सुपर फेवरेट है जो कि हमेशा अपने आप को करना चाहिए। अपने आप को थैंक करना मत भूलिए। हम लोग की आदत होती है कुछ भी नेगेटिव हुआ ना तो बस अपने आप को तुरंत ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया और ब्लेम ही करते रहिए। किसी भी चीज़ से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ गलत हुई उससे लर्न ज़रूर करिए, लेकिन लर्न करने का क्या तरीका है? लर्न ये है कि हाँ भाई क्या हुआ और अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, आगे के लिए लर्न कर लिया। उसको सर पे हावी मत होने दीजिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बहुत नेगेटिव, नहीं यार ये मुझसे हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए ये मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मत लीजिए, इसको यहाँ मत लीजिए। आपने सीख लिया, गलतियों से सीख लिया, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं। ये मिस्टेक आप रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है कुछ भी करने के। ये बहुत, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैम ये ना होता ही नहीं है मुझसे, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, नहीं मैं लीड कर ही नहीं सकती हूँ, मैं किसी से काम करवा ही नहीं सकती हूँ, मैं खुद इतना काम इतने सारे टाइम में कर ही नहीं सकती हूँ। वाई? आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कभी कुछ आपके साथ नहीं हुआ तो आप उसको लेकर बैठ गए कि बस ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं, अप्रिशिएट योर सेल्फ। एक अपनी नोट पैड जरूर बनाइए, डायरी बनाइए जिसमें डेली की लर्निंग्स नोट करिए। बहुत ही मजा आता है इसको नोट करने में। डेली की लर्निंग्स को जब नोट करने की हैबिट हो जाएगी ना तो डेली कुछ लर्न करने की भी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि आपको रहेगा कि भाई मुझे रात को सोने से पहले ना लिखना है उसमें कि मैंने आज क्या लर्न किया। और फिर जब आप उसको पलट पलट के देखेंगे ना तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं तो ये सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है कहीं भी जाने में, किसी को भी फेस करने में, ये तो मुझे आता है। अरे यार ये मैंने तब करा था, अरे यार 2 महीने पहले मैंने ये सीखा था, अरे यार ये, अरे कल मैंने ये पढ़ा था, 1 वीक पहले ये समझा था। प्लीज़ नोट करिए। और क्या होगा इससे, ये जो आपकी हैबिट है ना कि डेली हम कुछ नहीं करते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। यस, क्योंकि आपको ये रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जब कुछ सीखा ही नहीं होगा, राइट? सो थैंक करिए अपने आप को हर चीज़ के लिए जो आप अच्छी करते हैं। अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड दूसरों को भी अप्रिशिएट करने की हैबिट डालिए। जब अप्रिशिएट करने की हैबिट होगी ना तो खुद को भी करेंगे, उन्हें भी करेंगे एंड लर्न भी बहुत कुछ करेंगे। यस, कहीं पर भी हो इस चीज़ को ना छोड़ें। सो ये थे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स। सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, वो सबको ही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।